मैंने बहुत अरसे से मैं इस बारे में बात करी थी कि मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज को बड़ा मिसरिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट, एंड मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ही बात की है, विच आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो फॉर दैट. लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, ये मुझे अपने हाथ में ये उठाना पड़ेगा मेंटली, एंड आई विल हैव टू डू इट माई सेल्फ अगर मैं चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों. शादी और मेरी और मुझे ही नहीं पता यार, मैंने शादी नहीं करी तो हाँ क्यों की, दादू को मना नहीं कर सकता. 12 बजे की ट्रेन है, तुम अमाड़ा रोड एंड जाना ही. मैं पटरी पे खड़ा हो जाऊंगा मगर ट्रेन वापस नहीं जाने दूंगा. एंटी एलर्जी हो तेरी, अपनी शक्ल देखिए, शक्ल से टिकटॉकर लगता है. वंस अ देसी ऑलवेज अ देसी, जब तक लड़की का आंखों से पूरा एक्सरे ना कर. हेलो, फिल्टर के बगैर तुम बहुत हसीन, लेकिन जबान को सख्त फिल्टर की जरूरत है. ईद उल फितर पर दगाबाज दिल आ रही है, आपका किस तरह का कैरेक्टर है इस मूवी में? तो मेरे कैरेक्टर का नाम है जोया, और जोया जो है बड़ी बेबाक किस्म की लड़की है, अपने आप से बहुत मोहब्बत करती है, अपने आगे वो कुछ नहीं देखती, तो वो अपने आप की फेवरेट एक्टर से, एंड शी इज़ समवन हु नोज़ व्हाट शी वांट्स, और उसको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जो वो चाहती है वो होना कितना इम्पोर्टेंट है बनिस्बत इसके कि उसको जो कहा जा रहा है करने के लिए. उसके लिए वो बड़ा फाइट भी करती है, उसके लिए वो बहुत अपने ग्राउंड पे, शी स्टैंड्स ऑन अ ग्राउंड, बट देन सिचुएशंस किस तरह से कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं इस फिल्म में, जिससे बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो अप्स एंड डाउन आ जाते हैं सिचुएशन में, और बड़ा फैमिली ड्रामा है इसमें. शादी से इनकार कर दो और सिर्फ मुझे विलन ना बनाओ. यहाँ पे तो माहौल बन रहा है, फसाद कब करोगे? बेटा हम लोग सकते में है, वी आर इन सकता. अरे बिक गए सारे के सारे मिलकर चू. सो इस कैरेक्टर को करने और इस मूवी के लिए साइन अप करने के क्या रीजंस थे आपके? रीज़न तो सिंपल से थे कि वजाहत के साथ मैं पहले भी 2 दफ़ा काम कर चुकी हूँ, मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है उनका, जो एक सबको साथ लेके चलने वाला जो एक उनका तरीका है, एंड इट्स ऑलवेज उनके सेट पे हमेशा बड़ा मज़ा आता है, फन एंड गेम्स में ही काम हो जाता है और जो है वो पता भी नहीं चलता. सो एक तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे कहानी बड़ी मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग लगी, इस तरह का जिसमें सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ और इस तरह की फिल्में बहुत बनती नहीं है यहाँ पे, और ऐसी फिल्म मैंने नहीं की थी पहले. So, मुझे लगा कि definitely I should do it, and the next thing was I was signing the papers. So, ये दो reasons थे. So, हमने आपको फहद मुस्तफ़ा के साथ, हुमायूं सईद के साथ more than one films में देखा है. Last year वहाज के साथ हमने देखा, अब अली रहमान के साथ आप आ रही हैं. So, ये shift कैसा था आपके लिए? I think being an actor, मुझे लगता है कि I should be, although मेरी बहुत अच्छी और हिट फिल्में रही हैं हुमायूं और फहद के साथ, और मैं हमेशा उनके साथ जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है I look forward to it. लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं और अलग अलग एक्टर्स के साथ भी देखूँ, क्योंकि माशाल्लाह वी हैव सच अ ग्रेट यू नो लाइनअप ऑफ एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री. सो आई वाज लाइक, अली इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, और हम हमेशा जब भी मिलते थे हमें कहते थे यार कोई काम करना है साथ, कोई फिल्म करनी है. सो दिस जस्ट हैपेंड और मुझे बड़ी खुशी हुई, और अली के साथ काम करना बड़ा मेरे लिए एक बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हमारी वैसे भी दोस्ती है, और इस रोल में भी जो हमारी नोक झोंक और बड़ी एक इस तरह की आपस में डायनामिक दिखानी थी, तो उसके लिए इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल फॉर मी टू डू इट, एंड केम वेरी नेचुरली टू मी एंड हिम एज़. आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने काफी टाइम से टीवी पर आपको नहीं देखा, माइनस द टेलीफिल्म जो अभी HSY के साथ हमने देखी, इज इट अ डेलिबरेट चॉइस आपके एंड से कि वो फिल्म एक्टर या फिल्म स्टार का वो मेंटेन करने के लिए, या अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो यू वुड वांट टू डू टीवी? नहीं, आई लव ड्रामास, आई स्टार्टेड विद ड्रामास, और मुझे तो बड़ा जबरदस्त फीडबैक जब भी टीवी का कोई शो होता है, कोई भी ड्रामा होता है, उसकी ऑडियंस इज ह्यूज एज कम्पेयर टू अ फिल्म ऑडियंस, क्योंकि फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें पीपल पे, वो पैसे देते हैं अपना हार्ड अर्न मनी एंड देन दे वॉच द सिनेमा. टीवी हर घर में, ड्रामे हर घर में देखे जाते हैं और दुनिया भर में देखे जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स और फीडबैक बहुत बड़ा होता है, और एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अपने काम का फीडबैक मिलता रहे और लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हो. तो आई वुड ऑलवेज वॉन्ट डू अ ड्रामा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अच्छा स्क्रिप्ट हो, और मुझे स्क्रिप्ट्स आते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, बट कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट अभी तक नहीं नज़र आया जिसमें मुझे लगे कि ये वो चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं की. या तो वो ऐसा होता है कि वो मैं कर चुकी हूँ, या वो ऐसा होता है जिस चीज़ से मैं खुद रिलेट नहीं कर पाती, कि एक डोमेस्टिक वायलेंस है या सास बहू ऑल दैट, वो मैं कर चुकी हूँ, बिन देयर डन दैट. सो आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज़ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू कम बैक टू टीवी स्क्रीन. सो ऐसा है कि डू यू मतलब आर यू मोर इंटरेस्टेड कि अब अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होती हैं, मिस मार्वल है, यो यो हनी सिंह के साथ है, कि यू आर आल्सो आइंग कि व्हाई नॉट, मतलब अगर आप एक्सपेंड करती हैं अपना ऑडियंस, अपना कंट्री जिसमें आपके फैंस हैं? बिल्कुल, मैं तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रॉस कोलैबोरेशंस, एंड एक आर्टिस्ट की कोई भी बॉर्डर या कोई सरहद या कोई ऐसी लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि हम एज आर्टिस्ट ब्रिज होते हैं इन सब डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए, इन पासनों को दूर करने के लिए.
तो वो इसी तरह हो सकता है पॉसिबल जब कोलैबोरेशंस हो. ऑडियंस है, दुनिया भर से लोग अब देखना चाहते हैं पाकिस्तान के काम को, हमारे लोगों को, हमारे टैलेंट को. और हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय रिसोर्सेज के, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी मसला हल होता जा रहा है माशाल्लाह. नाउ वी आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स. सो इंशाल्लाह सून देयर विल बी अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस हैपनिंग मेरी और अदर आर्टिस्ट्स आल्सो. आपने अपना प्रोडक्शन भी अनाउंस किया था और अभी आपने बात की कि आप भी प्रोड्यूस करेंगी, तो क्या उसमें किस तरह के कंटेंट या किस तरह के टॉपिक्स ज़रा क्लोज टू योर हार्ट यू वुड वांट टू एक्सप्लोर? सो बेसिकली मैंने बहुत अरसे से मैं इस बारे में बात करी थी कि मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज को बड़ा मिसरिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट. एंड मैंने हर प्लेटफॉर्म पर जाके बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ही बात की है, विच आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन आल्सो फॉर दैट. लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, ये मुझे अपने हाथ में उठाना पड़ेगा मैंटली, एंड आई हैव टू डू इट माई सेल्फ अगर मैं चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों. तो इसी रीज़न पे के बेसिस पे मैंने वो पिंक नामा फिल्म कंपनी खोली है. और जब मैंने मिस मार्वल किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड चीज़ें बनना चाहिए, क्योंकि देर इज़ एन ऑडियंस. जिस तरह का फीडबैक मिला हमें, फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरो अ ब्राउन गर्ल जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार आई है, तो ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी. इट वॉज अ ब्रेक थ्रू. और उस चीज़ ने ना मेरे इस बात को पुख्ता किया, इस सोच को, कि ये चीज़ होनी चाहिए और हो सकती है.